चाहते में हमारी जो मिश्का और प्रीशा है उन्होंने चली चाल, चाल ऐसी कि भाई फंसाना था कबीर को। लेकिन ये चाल चलना भी ना एक आर्ट है, हर कोई इस आर्ट में माहिर नहीं होता। ऑब्वियसली ये ना एक खिलाड़ी है, तो ये चाल उल्टी पड़ गई और पड़ गया जोरदार चांटा मिश्का के गाल पर। जब अहाना के खुद के घर में आग लगी तो अहाना पीछे नहीं हटी अपनी बहन को थप्पड़ मारने के लिए। होली पर देखिए अहाना और मिश्का को कितना बड़ा झटका लगा है। अब मिश्का भी जान गई है कबीर की असलियत, तभी तो प्रीशा के साथ मिलकर वो साजिश कर रही थी। जैसे फ्लैश के अंदर फ्लैश रहता है, वैसे ये साजिश के अंदर साजिश देखेंगे आप। ये साजिश है मिश्का और प्रीशा की, ताकि वो कबीर को रंगे हाथों पकड़ लें। पर अफसोस ऐसा हो नहीं पाएगा, बिकॉज कबीर और सुलोचना जो है वो ऑलरेडी मास्टर माइंड है, वो प्रिपेयर हैं पूरी तरीके से कि क्या करना है उन्हें अपने आप को बचाने के लिए। कबीर के वॉशरूम में वो इंतजार कर रही थी कबीर का, और जब कबीर आया तो वो उसके करीब गई। अब मिश्का भी जानती है कि कबीर किस तरह का लड़का है, वो मौके का फायदा जरूर उठाएगा। लेकिन कबीर को भी मानना पड़ेगा, लगता है उसे मिश्का की चाल के बारे में पहले से ही पता था, तभी तो वो मिश्का के सामने सीधा साधा बन रहा है। अब जब घर वालों ने वॉशरूम के अंदर दोनों को पाया तो भाई अहाना की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। ये साजिश है मुझे तब पता चलता है जब मेरी माँ जो है, जो सुलोचना मैम जो है, वो प्रीशा को और मिश्का को देख लेती हैं और सुन लेती हैं उनके प्लान को कि वो ऐसा ऐसा करके मुझे फंसाने वाली हैं। कबीर ने अहाना को सारी बात कह दी कि किस तरह मिश्का उसके साथ गलत हरकत करना चाह रही थी। अब कबीर का नाटक और उस पर उसकी नकली माँ के ये बड़े बड़े डायलॉग सच में मिश्का पर तो बहुत भारी पड़ गया। अब मिश्का और प्रीशा को कोई और नया आइडिया सोचना होगा, क्योंकि ये नकली माँ और बेटे बहुत दूर की सोचते हैं। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ABP News, आपको रखे आगे।